ये लड़की का बयान सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये लड़की और सामने खड़ा लड़का एक दूसरे से प्रेम करते थे, मंदिर के पीछे रोज रोज मिला करते थे और एक दिन पकड़ी गई। 10-12 गांव वाले मिलकर इसकी शादी करा दिए। कैसे पकड़ी गई चलिए जानते हैं। क्या हुआ था भाई साहब? अरे क्या बताएं, मंदिर पे आए हुए थे हम, देख रहे पीछे में गुदुर गुदुर कर रहा था ये दोनों लड़का लड़की। हाँ, खुश हैं आप? ये बोल गए गूंगी है का? ये क्या खुश नहीं है आप? नहीं। क्या हुआ, अब तो आप शादी कर लिया ना? हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस लड़का से टाइम पास करते थे। देखिए ये खुलासा, देखिए हम इसको दिल से नहीं चाहते थे। हम जिससे सच्चा दिल से प्यार करते हैं वो मेरा लवर दूसरा है, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं था। इसे टाइम पास के लिए, इसको पैसा वैसा कमाने के लिए रखते थे हम। खुश नहीं है, न रहेंगे कभी जिंदगी में। हम आज छोड़े कल छोड़े इसको छोड़ के चल जाए। ये लड़के का प्रेम कहानी जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल इस लड़के का नाम विपिन है और ये करिश्मा नाम के लड़की से प्रेम करता था। घर वाले नहीं माने इसलिए लड़की को ये भगा ले गया। फिर घर वाले मान गए और अच्छे से शादी करने के लिए राजी हो गए। जब लड़का बारात लेकर करिश्मा के घर पहुँचा तो सारे रस्म अच्छे से भी हो गए। फिर इसकी सालियाँ विपिन से 5,000 रुपए रस्म के नाम पे मांगने लगी, लेकिन विपिन सिर्फ 1500 रुपए देने के लिए राजी था। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और विपिन पुलिस को बुला ले आया और खुद शादी छोड़कर भाग गया और धीरे धीरे सारी बाराती भी खिसक लिए। इतना ही नहीं, फिर लड़की पार्टी ने दहेज मांगने के आरोप पे केस भी फाइल कर दिया इस लड़के पे। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि जब लड़की से इतना प्रेम था ही और ये उसको लेकर भाग भी गया था और फिर अच्छे से शादी हो रही थी तो ये शादी छोड़कर भागा ही क्यों? ये लड़की एक दुकान पे जाती है और वहाँ पे कुछ सामान खरीदने के बहाने वहाँ से कुछ सामान चोरी करके अपने बैग में डाल लेती है। लेकिन गनीमत उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और दुकानदार को इस बात का पता चल जाता है। फिर वो बोलता है कि अपना बैग चेक कराओ। वो नहीं कराने को मानती है, लेकिन जब वो बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, पुलिस का नाम सुनते ही ये बैग तो चेक कराना बहुत दूर की बात है, जो भी चीज चोरी करके ये रखी थी यानी कि पहन चुकी थी वो सब निकाल कर रख देती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने सामानों का ख्याल खुद ब खुद रखने लगेंगे। ड्रीम बॉय जयसूर्य नामक एक वीडियो क्रिएटर ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि भीड़ भाड़ वाले जगहों में सच में सामान चोरी होता है, क्या सच में आपसे कोई छीन कर भाग जाता है? और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वीडियो का रिजल्ट देख कर ये अपने हाथ को अपनी कार के बाहर फोन पकड़ के बाहर निकाला हुआ रखता है और इसी टारगेट में एक बंदा आता है और झट से फोन को छीन कर भागने का कोशिश करता है। सोचिए, एक तो ये लड़का और जवान था, इस वजह से अगर घर की कोई लेडीज होती तो क्या होता। इसलिए आप कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो अपने सामान को नजरअंदाज ना करें। 25 लाख का लॉटरी वाला फ्रॉड कॉल आपके पास भी व्हाट्सएप में कभी ना कभी आया ही होगा। ऐसे ही कॉल एक पुलिस वाले के पास आया कि आपका 25 लाख का लॉटरी लग गया है, आप अपना बैंक पासबुक का फोटो व्हाट्सएप करें, मैं आपके अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। हेलो बेटा सुनो, राहुल बताया था ना नाम? राहुल सुनो, तुम्हारा किससे बात हो रहा है, तुम्हें पता है? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ जिला का, ठीक है? और तुम एक इंस्पेक्टर से बात कर रहे हो? तुम लोग ऐसे गवर्नमेंट टैक्स मांगती हो, 25 लाख का लालच दिखाते हो, गवर्नमेंट टैक्स भेजने के बाद पूरा नंबर ब्लॉक कर देते हो और कुछ को ना ही कॉल तुम रिसीव करते हो, नंबर ब्लॉक कर देते हो, ऐसे करके तुम लोगों के साथ फ्रॉड करते हो ना? आप इस तरीके से जो है ना, आप बीच में मत आइए क्योंकि हम लोग का काम है डेली का चलता है। बेटा बीच में नहीं बताओ, हम आज ये नंबर यूज कर रहे हैं, कल हम दूसरा नंबर यूज करेंगे, ये काम हमारा कभी नहीं रुकने वाला है, हमारा दूसरा नंबर नहीं। देखना मैं क्या करने वाला हूँ, और फिलहाल तुम्हें वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा प्रूफ के द्वारा। हम देखते हैं आप क्या कर लेते हैं, हमने तो डेली का यही। अच्छा आप देखते हैं, रोक लेते हैं। गाइस प्लीज अलर्ट, इस तरीके का कंप्लेन इतना ज्यादा आता है हमें, इस तरीके का 25 लाख का लालच दिखा के पाकिस्तान से ज्यादातर कॉल आता है, आप लोग प्लीज ऐसा फ्रॉड से बच के रहना। एक बार एक मोटो ब्लॉगर मैजिशियन एडी अपने CBR 650 बाइक लेकर राइडिंग पर निकलता है, पुलिस वाले रोकते हैं चेकिंग पे। वो मोटो ब्लॉगर बोलता है मैं यूट्यूबर हूँ और मैजिशियन भी हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं दिखाओ तब फिर कोई जादू। आप आगे खुद देखिए कि कैसे पुलिस वाले इस बंदे से इम्प्रेस हो जाते हैं इसका जादू देखकर। सर मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता हूँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पे 4 मैगजीन की कटिंग है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? इन चारों को मैं ऐसे रखूंगा अपने हाथ में, ऐसे फोल्ड करूंगा। अब हाथ पूरा ध्यान यहाँ रखना, मैं कोई मूव नहीं करूँ और ऐसे करूंगा ये नोट बदल जाएंगे। पुलिस वाले सच में हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं फिर से एक और कोई और जादू दिखाओ यार। इसके नोट है, ठीक है? आप लोगों को दिखाऊंगा, 5 नोट है, 1, 2, 3, 4 और 5, जैसे ऐसे, ठीक है? अब ध्यान रखना आपने, देखो ऐसे ऐसे फेक करूंगा और ये 20 के नोटों में बदल जाएगा और ये सारे नोट आपको फिर से मैं दिखा सकता हूँ, 1, 2। और ये देखने के बाद पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस बंदे को जाने देते हैं।